हम आपको बताएंगे कि स्वप्न में सांप किस किस को दिखते हैं, सांप दिखे कभी? हाथ बताओ, हाथ उठा के जिनको स्वप्न में दिखते हो, दिखते हैं? काला दिखता है कि हरा पीला नीला दिखता है? काला। आहा हा, हम आपको दो स्वप्नों का अर्थ आज बताएंगे। एक तो शिव को स्वप्न में देखने का मतलब क्या होता है, द्वितीय सांप को स्वप्न में देखने का क्या मतलब होता है। ये दो चीजें आज समझ लें और फिर इच्छा तो हमारी बहुत कुछ होती है ऐसा ऐसा बता दें, पर हमको लगता है कि आप लोग हल्के में ले लेते हो क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है ना आपको, और जिन लोगों को कोई चीज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है उसका महत्व तो नहीं समझते। एक और बात बता दें, कोई भी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है ना तो मोस्टली मिलती भगवान के यहां से और गुरु के यहां से ही है, बाकी के तो सबकी कॉस्ट लगी हुई है। अब कोई कहेगा महाराज आप तो कहते हैं कि कथा सुनने आना है तो उसमें जजमान बनना पड़ेगा, इसके पीछे रीजन एक ही है, कम से कम लोग आए। क्यों कम क्यों आए? बोले कोरोना चल रहा है, गाइडलाइन ऐसी है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम चाहते तुम जजमान बनो तो इसका ये अभिप्राय नहीं कि धन आ जाए, इसका मतलब यह है कि धन लोगों पर है ही नहीं, समय कम है तो वो स्पेंड करेंगे ही नहीं तो कम आएंगे, और जिनको ठाकुर जी ने दे रखा है वो गिने चुने आएंगे, और एक संख्या लिमिट होने पर जो हमने सोची हुई है उसके बाद बंद कर देंगे। तो यहां मतलब यही है कि कम लोग इसलिए आए कि आप भी सुरक्षित रहें और हम भी सुरक्षित रहें, पहली बात। तो भगवान के यहां और गुरु के यहां तो सब फ्री ही मिलता है मोस्टली। तो यहां से आज आपको बताएं, जिन जिन को ये पूछना है, जो समझना है कि शिव जी हमको स्वप्न में आते हैं, और जो हमारे संप्रदाय के लोग हैं, जो हम लोग हैं, हमें हमारे राधा कृष्ण प्रियाकांत जो स्वप्न में आते हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपका कोई बहुत बड़ा काम होने वाला है, आप कई मनोकामना अपने मन में धारण किए हुए हैं, आप चाहते हैं कि हमारी वो मनोकामना पूरी हो जाए, आपको कोई शुभ संदेश मिलने वाला है, आपका कोई मनोरथ सिद्ध होने वाला है, जो अनमैरिड हैं हो सकता है उनका विवाह हो जाए, जो जॉब लेस हैं हो सकता है उनको जॉब मिल जाए, और भी जो आपके मनोरथ हैं, कब? जब आपके आराध्य आपको स्वप्न में दर्शन दें। अब बहुत से लोग तो ये कहेंगे कि ना तो हमें जॉब चाहिए, ना हमें कोई मैरिड वेरिड का लफड़ा है, ना हमें, तो हमें क्या मिलेगा? तो जो सर्वोपरि फल है भगवत प्राप्ति, उस तरफ भगवान ने आपको इशारा कर दिया है कि अब तू मेरी सही दिशा में चल रहा है, ऐसे ही लगा रहे, जैसे आज स्वप्न में आया हूं वैसे ही प्रत्यक्ष में भी आ जाऊंगा। ये अपने आराध्य को स्वप्न में देखने का फल हुआ। अब ध्यान दें, अगर संसारिक कोई वस्तु आपको चाहिए तो वो सिद्ध हो जाएगी, वो मिल जाएगी, और अगर वो नहीं चाहिए तो फिर भगवान ये कहते हैं, डोंट वरी, आई विल कम टू यू आफ्टर सम टाइम, जस्ट कैरी ऑन, कीप इट अप, जो तुम कर रहे हो वो करते रहो। इसका मतलब ये है अपने आराध्य अथवा शिव को स्वप्न में देखने का। अब जो सबसे खतरनाक स्वप्न है वो है, वैसे तो मैं बहुत लंबी लिस्ट लेके आया था स्वप्नों की, किसी मुर्दे को देख लें तो क्या होता है, बारात को देख लें तो क्या होता है, और बहुत हैं, है? हाथी को देख लें तो क्या होता है, पर मैं सोच रहा हूँ बाद में एक एक करके वीडियो बना के डाल देंगे तो ज़्यादा आप लोग इंटरेस्ट लेके सुनोगे, आजकल यही तो चलता है, कथा को शेयर करने में डर लगता है लेकिन प्रॉफिट की बातें कर दो बहुत। देखो अभी इसमें हमने कह दिया बड़ा काम से दोगा कब, जब आराध्य को हम लोग स्वप्न में देखेंगे, तो अगर इसकी हेडलाइन ये लोग डाल दें कि भगवान को स्वप्न में देखने से होंगे आपके सारे मनोकामना पूर्ण, सुनिए वीडियो फिर देखिए, लग जाएंगे लोग देखने, मतलब की बात देखते हैं, अब कथा तो 3 घंटे की है कौन सुने। दूसरा सबसे अहम प्रश्न है, बहुत सुंदर, स्वप्न में अगर सांप दिखे तो क्या करें? यहां सांप दो प्रकार के स्वप्नों का वर्णन है, एक काला सांप दिखे,
काला सांप अगर आपको दिखता है तो इसका मतलब है कि आपका मान सम्मान बढ़ेगा। अगर काला सांप दिखे तो आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपका धन बढ़ेगा, जो कार्य आप करेंगे वो सम्मानीय हो जाएगा और जगह जगह पर आप सामाजिक स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर आपका सम्मान बढ़ जाएगा। कब? जब काला सर्प स्वप्न में दिखे। लेकिन वही सर्प अगर आपको खाने के लिए दौड़ता हुआ दिखे, या क्रोधित दिखे, या फुंकार मारता हुआ दिखे और अन्य कलर का दिखे, तो वो शुभ नहीं है। इसका मतलब है कि आपके शत्रु आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, आपके शत्रु आपके सम्मान को ठेस पहुंचाना चाहते हैं। वो जो हैं आपके शत्रु हमेशा आप पर हावी रहने की प्लानिंग कर रहे हैं। तुम्हारा जब ऐसा स्वप्न दिखे तो क्या करना चाहिए? बोले ऐसा स्वप्न अगर दिखे, सांप खाने के लिए दौड़ रहा है, या सांप दांत निकाल रहा है, या सांप दांत निकालना ही ठीक है, तो फिर क्या करना चाहिए? बोले उस स्थिति में हमको भूत बावन भोलेनाथ के शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए, बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। जब आप शिवलिंग पर बेलपत्र इत्यादि चढ़ाते हैं तो उससे आपके शत्रुओं का दमन होता है। तो ये 2-3 स्वप्न हमने आपको बताए हैं। वैसे तो हम पे लिस्ट बहुत लंबी है, कम से कम हमने 30 स्वप्नों के विषय में शोध किया, 30। और ये स्वप्न आते हैं, पितर आते हैं कि नहीं, जो मर गए वो हमारे स्वप्न में आते हैं ना, उस पर भी हमने प्लान किया, सोचा है, मतलब पढ़ा है। और कई बार घोड़ा दिखता है स्वप्न में दौड़ता हुआ, कई बार हाथी दिखता है, कई बार कुत्ते इत्यादि दिखते हैं। इन सब स्वप्न का एक अलग ही संसार है। स्वप्न के लिए तो ये कह सकते हैं ना, सोते चैन ना जगते चैन, यही है ना। तो इससे बचने के उपाय भी हैं, बाद में बताएंगे फिर कभी समय होगा।